हाँ तो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? होपफुली सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों आ चुके हैं एक और न्यू सोलो गोनकर रैंक पुशिंग वाली वीडियो में। अब दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से न्यू सीज़न स्टार्ट हो चुका है और भाई काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे लग चुके हैं रैंक पुश करने में, वो भी एकदम बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ। इसी के साथ दोस्तों हम भी लग चुके हैं यहाँ पे रैंक पुश करने के लिए। अब अपना जो गेम प्ले रहने वाला है वो रहने वाला है प्लैटिनम वन टीयर का। और हमने अच्छा खासे किल्स किए थे इस गेम में, इतने भी नहीं लेकिन भाई जितने भी किल्स किए थे वो भी अपन ने बेहतरीन किल्स किए थे। लेकिन यहाँ पे भाई लास्ट में ऐसी चीज़ हुई ना दोस्तों अपने साथ में, वो आप लोगों के साथ हो रही है कि फिलहाल मेरे को ज़रूर से बताना। अब मैं जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ से आता हूँ, ऊपर की साइड में एक और बंदा आ जाता है जिधर मैंने एक बंदे को फेला था। तो वो बंदा यहाँ पे भाई नेड करता है और मैं उस बंदे के इधर यहाँ पे मॉली कर देता हूँ। अब अपने को नेट से थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका था लेकिन बंदा यहाँ पे मॉली से जल रहा था और इसी का फ़ायदा उठा के मैं यहाँ पे भाई को फिनिश कर देता हूँ। अब इस भाई को फिनिश करने के बाद मैं अपने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 4 किल्स हो चुके थे, वो भी फास्ट एकदम खतरनाक तरीके से। अब मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ सबसे पहले तो भाई भाई लोगों की पेटी लूट ली जाए, क्योंकि माल मटेरियल भाई लोगों की पेटी में अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाती है M4 और M4 लेके मैं निकल पड़ता हूँ और भी बंदे ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे मैं जैसे ही भाई आता हूँ उतने में मेरे को साउंड आता है। अब बंदे ने काफ़ी ज़्यादा भाई दिमाग तो लगाया था मुझे पेलने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है भाई से, जिसकी वजह से यहाँ पे भाई की पेटी बन जाती है। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो भाई की पेटी बनाने के बाद मैं निकल पड़ते हैं और भी बंदे ढूंढने के लिए। अब सामने की तरफ मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। अब यहाँ पर देखो, लेकिन वो निकलते अपने प्यारे बॉड भैया किल देने के लिए आए थे लेकिन थोड़ा राइट की साइड चले गए। तो अपन जाने देते हैं नहीं भाई को, यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं उससे। अब अपने यहाँ पे 6 किल हो चुके थे दोस्तों। अब सामने की तरफ यहाँ पे 2 बंदे की आपस में फाइट चल रही होती है, तो मैं यहाँ पर भाई इंगेज करने के लिए पहुँच जाता हूँ। और इस भाई को अच्छा खासा डैमेज देते थे लेकिन ये भाई थोड़ा कवर में चले जाता है। तो मैं यहाँ पे इस भाई की तरफ पुश करता हूँ नहीं, क्योंकि मेरे को सामने की तरफ से एक और बंदे का फुटस्टेप आ रहा था। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ बंदे की तरफ मॉली डालने के लिए, लेकिन बंदा सामने आ जाता है और इसके यहाँ पर पेटी बना देते हैं। तो ये भी अपने प्यारे बॉड भैया निकलते हैं। अब मैं यहाँ पर सोचता हूँ भाई अपने अच्छे खासे किल्स हो चुके और यहाँ पर भाई कैंपर्स के अलावा और कोई बचा नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो भाई रेंडियर के आगे स्मोक वगैरह कर देता हूँ। सोचता हूँ कि उन्हें यहाँ से निकला जाए, लेकिन लेफ़्ट साइड की तरफ से मेरे को साउंड आता है और जैसे बंदा आता है भाई को यहाँ पे इजीली फिनिश कर देते हैं। अब मैं जैसे यहाँ से भाई ये रेंडियर लेके निकलता हूँ, उतने में ही भाई ये बंदा पीछे की साइड से मेरे ऊपर स्प्रे लेके यहाँ पे अपने को फिनिश कर देता है और अपने यहाँ पे गेम ओवर हो जाता है। तो अपन रिकॉल होके उतर जाते हैं ये लोकेशन पे। अब इस लोकेशन पे आने के बाद में दोस्तों, क्योंकि मैं यहीं पे काफ़ी ज़्यादा सर्कल बिताने वाला हूँ, जैसे कि मतलब भाई 3rd सर्कल के बाद ही मैं यहाँ पर जोन में एंट्री लूँगा, तो आप लोग भी इसी तरीके से भाई खेल सकते हो। भाई स्टार्टिंग से अगर आप लोग अच्छा रैंक पुश करने का ट्राई करोगे तभी जाके जो है दोस्तों आप लोगों को भाई 4 से 5 दिन में जाके कॉन्करर कर सकते हो। अब यहाँ पे होता है ऐसा है कि भाई लॉबी में रहता है एक हैकर और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैंने किल फील्ड में बिल्कुल भी नोटिस वगैरह किया नहीं था। अब मैं आ जाता हूँ ये शेक की तरफ। अब ये शेक की तरफ हो रहता है जोन, तो इसी शेक की तरफ मैं होल्ड करता हूँ काफ़ी ज़्यादा टाइम।
अब सामने की तरफ यहाँ पे मैं बंधन को स्पॉट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा तो था नहीं। तो मैं चले जाता हूँ शेक के अंदर, और सामने जैसे शेक में घुसता हूँ उतने में ही सामने की तरफ से एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है भाई, पैदल पैदल आता हुआ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रीच का कवर मिल जाता है उस बंदे को। अब ये चीज़ का फ़ायदा उठा के वो बंदा यहाँ पे पत्थर का कवर ले लेता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ट्राई करता हूँ भाई पत्थर के पीछे मौले डालने के लिए, ताकि जो है बंदा भाई आग में लपट के जल के मर जाए। लेकिन भाई होता कुछ ऐसा है नहीं वहाँ पे। अब बंदा मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा लेटा हुआ स्पॉट होता है, तो मैं यहाँ पे बंदे के ऊपर थोड़ा स्प्रे लेता हूँ, और डैमेज भी देता हूँ बंदे को। लेकिन भाई बंदा यहाँ पे अभी कवर में चले गया था, और अब की बार जिस तरीके का स्प्रे आया ना दोस्तों मेरे को, मेरी यहाँ पे पेटी बनते बनते रह गई। और जोन से भाई देख रहे हो क्या ही डैमेज पड़ा था मेरे को। अगर मैं भाई हीलिंग लगा के जोन में नहीं घुसता तो यहाँ पे मेरी सर्कल में ही पेटी बन जाती। अब यहाँ पे खाली टॉप सिक्स आ चुके थे अपन, और नीचे साइड वाला बंदा मेरे को लगता है जोन से फिनिश हो गया। तो मैं एक बार ऐसे चेक करने के लिए आ जाता हूँ, और उतने में ही अब भाई ये बंदा निकाल देता है वहाँ से हिस्ट्वेल के। और जो ही मतलब मैंने यहाँ पे अंधा फायर किया है ना दोस्तों, मेरे को बंदे की लोकेशन कंफर्म नहीं थी, मेरे को जहाँ से खाली साउंड आ रहा था वहाँ पे मैंने फायर किया, और DBS की एमओ उस बंदे के हेड पे लग गई। तो वो बंदा भी यहाँ पे फिनिश हो गया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हीलिंग वगैरह लगा के निकल पड़ता हूँ जोन के सर्कल की तरफ, और देखता हूँ कि अब मैं और अकेला हैकर बाकी है। तो दोस्तों मेरे को अभी तक आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि बंदा हैकर है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस लोकेशन पे, और भाई सामने की तरफ एक बंदे का मेरे को साउंड सा आया था। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ उतने में ही अभी ये बग्गी वाला बंदा आगे की तरफ चले जाता है। अब मैं भी आगे की तरफ यहाँ पे सबसे पहले तो चले जाता हूँ, क्योंकि बंदे के ऊपर रीच का एडवांटेज था। तो यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ लेफ्ट साइड की तरफ। अब लेफ्ट साइड में जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ उतने में ही मेरे सामने की तरफ आता है मेरे को नेड। अब लोकेशन मेरी कंफर्म नहीं थी, मैंने फायर वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिया था, लेकिन नेड मेरे इधर दोस्तों प्रॉपर तरीके से आ रहे थे एकदम। मैं यहाँ पे थोड़ा भाई डर गया था कि बंदे को मतलब मेरा लोकेशन कैसे कंफर्म हुआ भाई। यहाँ पे देखो अभी, अब दोस्तों उतने में ही बंदा मेरे ऊपर पुश कर देता है, और भाई मेरा गेम यहाँ पे ओवर हो चुका था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा शौक में था कि बंदे को मेरा लोकेशन कैसे कंफर्म हुआ, बंदे ने किस तरीके से मुझे पेला। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बंदे को स्पेक्टेट करता हूँ दोस्तों, और देखना 14 की गेड़ी। अब मैं समझ तो गया था भाई बंदा यहाँ पे नॉर्मल है नहीं, तो अपन यहाँ पे बंदे को भाई रिपोर्ट वगैरह मार देते। और अब यहाँ पे देखो किस तरीके से बंदा मेरे को यहाँ पे फिनिश करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करना भाई, 22 फिनिशेस। अब दोस्तों क्या आप लोगों की लॉबी में भी हैकर वगैरह आ रहे हैं, मेरे को कमेंट करके एक बार ज़रूर से बताना भाई। मेरी ऑलमोस्ट ज़्यादा हर गेम में हैकर आ रहे हैं दोस्तों अभी तो फिलहाल। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं कल के बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम मेरे प्यारे भाइयों।